हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स वर्ल्ड बाय कॉर। आज हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिग स्मॉल। तो क्योंकि अभी ये बच्चे छोटे हैं, नर्सरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको अभी बोलना नहीं आता है प्रॉपरली, तो हम बिग वर्ड जो है वो 5 times बुलवाएंगे बच्चे से और उसको लर्न करवाएंगे। उसके बाद स्मॉल वर्ड को भी हम 5 times बच्चे को बुलवाएंगे और उसको लर्न करवाएंगे। जब उसको अच्छे से बोलना आ जाए फिर हम उसको बच्चे को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स शो करेंगे बिग और स्मॉल और ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करेंगे। तो अभी जैसे मैं आपको ये ऑब्जेक्ट्स शो करके बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। तो एलिफेंट जो है बिग एनिमल है, एलिफेंट इज बिग एनिमल। उसके कंपैरेटिवली डियर स्मॉल एनिमल, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, बिग स्मॉल। Watermelon is big fruit and cherry is small fruit. Big, small. ये मेरे पास 2 containers हैं, ये बड़ा है ये छोटा है। This is big, small. Big, small. मेरे पास टॉयज हैं, दिस इज बिग, ये बड़ा है, इसको हम बोलेंगे बिग। ये छोटा टॉय है स्मॉल, बिग स्मॉल। ये 2 colors हैं, दिस इज बिग कलर, बिग ये बड़ा है, स्मॉल ये छोटा है, बिग स्मॉल, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। ये मेरे पास 2 books हैं, दिस इज बिग, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल। अब मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, उनमें कलरिंग की है। तो जब हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हम बच्चे को पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं, बच्चा उसमें कलरिंग करे और साथ में हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने 2 kites बनाई हैं, दिस इज बिग काइट, स्मॉल काइट, बिग काइट, स्मॉल काइट। बैलून, बिग बैलून, स्मॉल बैलून, बिग बैलून, स्मॉल बैलून। ये फिश है बिग स्मॉल, बिग ये बड़ी है ये छोटी है, बिग स्मॉल। दिस इज बिग ट्री, ट्री इज बिग, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल। बिग बड़ा होता है, स्मॉल छोटा होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, बच्चों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स शो करने के बाद हम मुझे एक्सरसाइज करेंगे। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ की हुई हैं, उसमें से बच्चे ने बिग ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके आप बच्चे को बोल सकते हैं, इसमें कलरिंग करें। बच्चे की 2 activities हो जाएंगी, एक कलरिंग हो जाएगी, दूसरा बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इनमें सर्कल्स हैं, सर्कल में बच्चे को पूछना है कि कौन सा बिग सर्कल है, तो बच्चे ने उसको बिग को सर्कल कर देना है, बिग ऑब्जेक्ट को सर्कल कर देना है। ये आइसक्रीम कोन्स बनी हुई हैं, विच इज बिग, दिस इज बिग, बिग को सर्कल कर देना। मैंगोज, तो बड़ा मैंगो कौन सा है, बिग मैंगो कौन सा है, उसको सर्कल करना है, तो दिस इज बिग। पेंसिल्स, बिग पेंसिल्स कौन सी हैं, बिग पेंसिल कौन सी है, दिस इज बिग पेंसिल, तो इसको सर्कल कर देना।
तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हम बच्चों को बाद में करवा सकते हैं। हर बार कुछ नया देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।